मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। इन टुडेस मैथ्स लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब हमें क्या करना है? माइनस करना है। आपको पता है हम आगे सीख गए हैं सबट्रैक्शन क्या होता है। सबट्रैक्ट करने से आपका जो अमाउंट होता है, नंबर होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज यानी कि जैसे हमने प्लस किया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम सब में उसमें रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अब तक हमने जो सब्ट्रैक्शन में सीखा है वो एक बार हम रिवाइज करेंगे। ध्यान, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन, उसके बाद हम नंबर लाइन पर माइनस करना सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक नंबर देती हूँ 5 - 3। अगर आप 5 से 3 माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0, 9, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारी नंबर लाइन है। सबसे पहले हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे? जो फर्स्ट नंबर है वहां पे आ जाओ। अभी आपको माइनस करना है तो हम पीछे जाएंगे। ओके, माइनस करना है तो हम पीछे जाएंगे। कहां तक पीछे आना है? ओपन योर मैथ्स बुक एंड कम ऑन द पेज नंबर 65। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, विच वर्ड्स वी लर्न इन हियर? टेक अवे, लेस, लेस मतलब कम होगा, गिव अवे, सब्ट्रैक्ट, बोरो, बोरो मतलब कुछ उधार लेना, इक्वल्स टू, माइनस, डिफरेंस, लेफ्ट, नंबर, स्टोरेज एंड लैंडिंग। ओके, वी लर्न ऑल दिस वोकैबुलरी इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी रिवाइज द साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड माइनस साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं? कौन सी साइन है ये वाली? माइनस की साइन है। ओके, मतलब ये जो दो नंबर के बीच में होती है
उस नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि माइनस करते हैं। When we subtract one number from the another, the answer is called the difference. अगर आप एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका डिफरेंस, मतलब आपने क्या फाइंड किया। सपोज आप बोलते हो 6 - 4, तो जो आंसर आया वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब माइनस होगा। तो डिफरेंस किससे बोलेंगे, अगर दो नंबर को आप कट करते हो, माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो आंसर मिलता है वो आपको उसका डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफरेंस। नाउ वी रिवाइज फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द पिक्चर्स। आपको इनको माइनस करना है और इनका पिक्चर्स ड्रॉ करना है। हाउ मेनी अम्ब्रेलास आर देयर, 6 - 4, then how many are remember, 2. next 3 में से अगर आप 2 कट करते हो तो कितना नंबर बचेगा, 3 है उसमें से आपको कितने कट करने हैं, 1, 2, तो कितने ट्री बचे, 1, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। अभी आपको क्या करना है, यहां पर ट्री ड्रॉ करना है। आप खुद ड्रॉ करोगे, मम्मी की पापा की किसी की भी हेल्प नहीं लोगे। चलो पहले हम इधर सी उल्टा सी लिखेंगे, सीधा सी लिखेंगे, दो सी लिखी है हमने। अभी एक सर्कल करो, दूसरा सर्कल करो, तीसरा सर्कल करो, हो गया हमारा ट्री। समझ में आया हमने कैसे ट्री ड्रॉ किया, अब आपको आ जाएगा ट्री ड्रॉ करना। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर, यहाँ पर कितने रैबिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, उसमें से मैं कितने माइनस करने हैं, 2, चलो 1, 2, कितने बचे, 1, 2, 3 रैबिट्स बचे, ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम रैबिट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम रैबिट्स, आपको रैबिट्स नहीं ड्रॉ करने हैं, आपको स्माइलीज ड्रॉ करने हैं। कितने हैं, 3, सर्कल करो, पहले एक स्माइली बना दो, ठीक है, 1, 2, उसके ईयर्स भी बना दो, आपको ऐसे रैबिट बनाना है, ठीक है। कितने बनाओगे ऐसे, 3 रैबिट बनाओगे, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, इधर कितने हैं, 8, और आपको कितने माइनस करने हैं, 3, 1, 2, 3, अभी कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे 5, ओके। अभी आपको स्टार्स कैसे ड्रॉ करने हैं, पहले सीधा ट्रायंगल करोगे, फिर उल्टा ट्रायंगल करोगे, ऐसे आपको 5 टाइम करना है, ओके। समझ में आ गए आपको कैसे स्टार्स करने हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर आओ, सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को आपको यूज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, 5 में से 3 माइनस करना है, तो सबसे पहले हम 5 पर आ जाएंगे। द यूजिंग द नंबर, द सब्ट्रैक्ट यूजिंग द नंबर लाइन, पुट योर फिंगर्स ऑन द फर्स्ट नंबर एंड देन काउंट बैकवर्ड। अगर आपको नंबर लाइन करनी है तो आप क्या जाओगे, माइनस में हमें बैकवर्ड यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था ना क्लास में, माइनस करोगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और प्लस करोगे तो आपको आगे जाना पड़ेगा। द गिवन ऑफ अ नंबर्स द इन द एग्जाम्पल बिलो, पुट योर फिंगर्स ऑन 8, ऑन द नंबर 8 एंड लाइन एंड देन काउंट बैकवर्ड 3 टाइम्स। पहले हमें क्या करना है,
एट पे आ जाना है। चलो एट पर आ गए हम, पहले हम जीरो से लेकर एट तक आ जाएंगे। अभी हमें कितना बैग जाने को बोला है, थ्री नंबर्स, वन टू थ्री, तो आप यहाँ पे आ जाओगे थ्री पर। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अभी यहाँ क्या करना है, नीचे आओ। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइंस। टेन माइनस एट, टेन में से हमें कितना नंबर कट करना है, एट नंबर। पहले हम जीरो से लेकर टेन तक आ जाएंगे और वापस कितने नंबर जाएंगे, एट नंबर्स। चलो यहां से पीछे से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कहां पे आ गए हम, टू पे आ गए। तो आप यहां सर्कल में क्या आंसर लिखोगे, टू। ओके, देन नेक्स्ट, अभी 15 में से आपको क्या कट करना है, 5 कट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जीरो से लेकर, आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है, 15, तो हम सबसे जीरो से लेकर 15 तक आ जाएंगे। आगे चलो, अभी हमें क्या करना है, कितने नंबर वापस जाना है, 5 नंबर्स। तो 15 से यहां से शुरू करोगे आप, वन टू थ्री फोर फाइव। कहां पे आ गए हम, 10 पर आ गए। तो आप यहां सर्कल करोगे, 15 से लेकर 10 तक का सर्कल करोगे। समझ में आया, और क्या है आपका आंसर, 10। तो हम यहां पे लिखेंगे 10। ओके, अभी नेक्स्ट पे 6 माइनस 2। तो चलो पहले हम जीरो से लेकर 6 तक आ जाएंगे। ओके, फिर हमें कितने स्टेप्स पीछे जाना है, 2 स्टेप्स, 1 2। तो यहां से हम यहां आ जाएंगे, तो कौन सा नंबर मिला आपको, 4। तो हम यहां पे लिखेंगे 4। अभी नेक्स्ट वाला आपको खुद करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। क्या करना है इधर, फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इधर बताए गए हैं। व्हेन वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, अगर हम कोई नंबर में से वन माइनस करते हैं, कट करते हैं, वी गेट द प्रीवियस नंबर, हमें उससे प्रीवियस वाला यानी कि पहले वाला नंबर मिल जाता है। अगर आप कोई नंबर में से वन कट करते हो, वन माइनस करते हो, तो आपको उससे पहले वाला नंबर मिलता है, बिफोर नंबर मिलता है, प्रीवियस। बिफोर नंबर को प्रीवियस नंबर्स भी बोलते हैं। 9 माइनस 1 8, 9 में से 1 कट किया तो 9 से पहले वाला नंबर मिला। मैंने आपको वर्ड पे समझाया, अभी नीचे आ जाओ। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर में से हमें 0 माइनस करना है, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब 0 में से आप कोई भी नंबर में से आप 0 माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वो ही नंबर मिलेगा। जैसे कि मैं 5 लेती हूँ, उसमें से 0 कट किया तो क्या आंसर मिलेगा, 5। मतलब कोई भी नंबर में से आप 0 कट करते हो तो आपको वो ही नंबर मिलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम नंबर लिखना है आपको। जैसे हमने एडिशन में भी देखा था, कोई भी नंबर में आप 0 प्लस करो या माइनस करो, आपको सेम नंबर मिलेगा। अभी नेक्स्ट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब कि इटसेल्फ मतलब वो ही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम नंबर को माइनस करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। द डिफरेंस इज ऑलवेज 0, मतलब डिफरेंस यानी कि आंसर क्या मिलेगा, 0। अगर कोई भी दो सेम नंबर को आप माइनस करते हो, सेम नंबर को माइनस करते हो, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। जैसे कि 23 में से 23 कट किए तो क्या मिला, 0।
चलो अभी नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है, 11 में से 1 कट किया तो क्या आंसर मिलेगा, 11 से पहला कौन सा नंबर आता है, 10, तो यहाँ पे आएगा 1010, ओके। 51 में से 0 कट करो तो कोई भी नंबर में से हम 0 कट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वो ही नंबर मिलेगा, कौन सा नंबर, 51 में से 0 कट किया तो आपको आंसर मिलेगा 51। अगर आप सेम नंबर को माइनस करते हो तो क्या आंसर मिलेगा, 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 54 में से 54 कट करो तो क्या आंसर मिलेगा, 0, ओके। तो ये सब आपको खुद करने हैं, समझ में आ गया ये वाला रूल। चलो अभी आ गया, वी नो दैट 36 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कौन सी साइन है, कौन सी साइन है, ये इज इक्वल टू, मतलब आपको आंसर मिलेगा 32। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर आप ऐसे वर्टिकल लिखते हो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 36, 6 में से 4 कट करो 2, इधर कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 लिख दोगे, समझ में आ रहा है, आप इसको ऐसे लिखते हो जहां स्टैंडिंग लाइन में लिखते हो, जहां स्लिपिंग से लिखते हो, मतलब वर्टिकल लिखो हॉरिजॉन्टल लिखो उसमें कुछ फेर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो 45 में से हमें 3 कट करना है तो हम कैसे करेंगे, 5 में से 3 कट करो तो 2 और 4 का 4, अभी 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 6 का 6, 7 में से 7 कट करो 0, 8 का 8, ओके। फिर 9 में से 5 कट करो 4, 3 का 3, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप रफ पेज पर, टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, आपको रफ पेज अलग से लेना है, आपको रफ पेज अलग से लेना है, उसमें लिखना है, क्या लिखना है, 39 में से पहले आप इधर लिखोगे 39 और उसमें से 5 माइनस करोगे, 9 में से 5 कट किया 4 और इधर बचेगा 3, आपको ऐसे ध्यान से अलग पेज पर करना है, इधर नहीं बिगाड़ना है कुछ, समझ में आ रहा है आपको। चलो religion।